पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तक इनकी जो भी कोई डिमांड है वो नहीं है। हालांकि आज हम आपकी मुलाकात के यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनका नहीं, लेकिन एक छोटी सी बच्ची है उसकी अपील है जो हम आपको आज अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। बेटा क्या नाम है आपका? शर्मा। लहर जी क्या कहना चाहेंगे जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सरकार को लेकर? सबसे पहले सभी रिपोर्टर्स को, सभी अंकल्स को, सभी कैजुअल लेवल वर्कर्स सबको मेरा नमस्कार। सभी अंकल है जो स्काइप कर रहे हैं, सरकार उन पर ध्यान दे। पहले भी इन्होंने बहुत बार स्काइप किया लेकिन इन पे सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इनको इग्नोर कर दिया। सरकार समझती है कि ये क्या कर लेंगे, बस दो तीन दिन बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार सिर्फ कैजुअल लेवल वर्कर्स ही नहीं, उनके बच्चे और उनकी फैमिली भी है उनके साथ। पीएम मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाएं तो लेंगे लेकिन पढ़ाएंगे कहाँ से, खिलाएंगे कहाँ से। सभी कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, ये भविष्य बना रहे हो आप हमारा। सभी लीडर्स आपको तो बस सभी लीडर्स के बच्चों का ही भविष्य बनाना आता है, हम गरीबों के बच्चे का भविष्य बनाना नहीं आता है। हम छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं और जो लीडर्स के बच्चे होते हैं वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं और विदेश जाके पढ़ते हैं। क्या वो छोटे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते? मेरे पापा एग्रीकल्चर चुनौर फार्म में एक डेली वेजर है। मेरे पापा जहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तारे लगी हुई हैं उसके आगे जाते हैं जीरो लाइन पे, वहाँ ड्यूटी करते हैं। और सभी अंकल्स भी जाते हैं अपने अपने ट्रैक्टर और अपने अपने मशीन्स लेके, वहाँ फायरिंग होती है, किसी को कुछ पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। उधर फायरिंग होती है, वहाँ अपनी ड्यूटी करते हैं, अपनी जान को दांव पे लगा के ड्यूटी करते हैं। शर्म मानी चाहिए आपको, आप फिर भी उनका हक लेते हो, उनकी मेहनत की कमाई खाते हो। वो कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे आपसे, बस इतना ही मांग रहे हैं कि हमें अब जितनी हमने मेहनत की है इतना हमें पैसा दे दो, इतने हमें अपना हक दे दो। कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग रहे, सिर्फ एक दिन, ओनली वन डे आप उनकी जगह काम करके देखिए, फिर आपको फील होगा कि वो कितना काम करते हैं, आपसे डबल मेहनत करते हैं वो। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर के जितने भी कैजुअल लेबर हैं उनको पक्का किया जाए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हैं। अगर आपने इस बार कुछ नहीं किया तो फिर अगर कुछ गलत हो गया या फिर हमने कुछ गलत कर दिया, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होगी, हमारी नहीं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।